अभी अखिलेश जी का 2 दिन का दौरा था, आजम खान के समर्थन में रोहनपुर आए थे और उन्होंने कहा कि जो सपा सरकार आएगी तो आजम खान पर झूठे केस जो है वो वापिस होंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर लीडर को हर व्यक्ति को मिलने का अधिकार है और इसी दौरान अखिलेश आजम साहब से मिलने आया है तो उनका हक बनता है उनके पार्टी के आदमी से मिलने का। लेकिन बात इसमें है कि अखिलेश जी इस बार रामपुर आम जनता से मिलने के लिए या विकास के नाम से नहीं आए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए रामपुर आ पहुँचे हैं और जितने जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बाहर से आए हैं और एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि रामपुर वालों को एक शांति माहौल में जीना चाहते हैं, उसको भंग करना चाहते हैं। बात इसमें है कि अखिलेश जी को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके जो सरकार बनी है उस समय पे मैं ये पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी मैं आपकी पार्टी में थी तो सापा में मेरे को वो न्याय कहाँ मिला है? जब ARTO मेरे ऑफिस में आया और वहाँ पे लाल बत्ती का उतारने का जो एक कांड किया उसमें मेरा जो कसूर कुछ भी नहीं है, अगर कसूर नहीं है तो आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए हैं? जब वो लाल बत्ती का एक बहाना बना के आजम साहब मुझे जेल भेजना चाहते हैं और ARTO का एक हैसियत है कि एक सांसद के ऑफिस में घुस जाए और लाल बत्ती का एक बहाना बना के मुझे जेल में भेजने का, ये सिर्फ आप ही कर रहे थे। उस समय पर अखिलेश को जयप्रदा याद नहीं आई और आजम खान साहब मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मेरे ऊपर बदजुबान चला रहे थे, तो आप बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो आप भी रामपुर आना था या मुलायम सिंह जी आना था? क्योंकि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इसीलिए आप मुझे बचाने नहीं आए। आज आजम साहब आपका गुरु है, जब आप पिता को छोड़ सकते हैं तो आजम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इसीलिए कि आपको राजनीति करना है, मुसलमानों के वोट चाहिए, इसीलिए आप चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो रामपुर याद आया। देखिए, आज मैं आपसे बहुत दुखी, जो दिल से मैं बता रही हूँ कि आप रामपुर जब आए हो तो जो लोग इतने सालों से आजम के जुल्म सह रहे हैं, आजम के वजह से वो लोग जेल गए हैं, आजम के वजह से किसान लोगों को नुकसान हुआ है, ज़मीनें हड़पने के लिए लोगों में दबाव बनाया है, आले हसन को आप साथ लेके कई गुना किए हैं आपने, तो आप अखिलेश जी उन गरीब लोगों के लिए, उन किसान जो आजम ने जुल्म से उनके जमीन हड़पा, तो उनके घर में क्यों नहीं गया? अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उनके घर में भी जाना चाहिए, असलियत और सच्चाई को जानकारी करना पड़ेगा, तब जाके इनके केसेस को, इनके कॉपी को, इनके FIR कॉपी लेके जाके आप जो लोकतंत्र के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने चाहते थे आप, तो आप मिलो, आपको पूरे अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि जो आदमी जुल्म करके यूनिवर्सिटी बनाया, जो लोगों के ज़मीन हड़प के आप इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया। और मुलायम सिंह जी, मैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भीख मांग मांग के यूनिवर्सिटी बनाया आजम ने, मैं ये पूछना चाहती हूँ तो ऐसे अगर भीख मांग के यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो इस दुनिया में सभी लोग बना देंगे। यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं बनता है, यूनिवर्सिटी छोटे छोटे जो कमरे बनाना हो तो लोग भीख मांग के कर सकते हैं, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी है, हजारों हेक्टरों का यूनिवर्सिटी है। तो आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इतने जो देश में दान देने वाले हों तो हर एक यूनिवर्सिटी करने के लिए बैठ जाएंगे। तो आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जनता से पूछना चाहती हूँ, प्रशासन अपना काम कर रही है क्या? प्रशासन को आप उनका काम पर बाधा डालने के लिए अखिलेश आए हैं? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार बदली है, आप ये बदल रहे हो, आप ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार आ जाए तो आजम के सारे मुकदमा खत्म हो जाएगा, ये आपका सपना है अखिलेश?
आप फिर से सीएम नहीं बन पाएंगे, आपकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि आप आदरणीय मोदी जी के सरकार से टकरा रहे हो, आप योगी से टकरा रहे हो। लोग मोदी जी को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं उन्हीं को लोग वोट देंगे आगे भी और 10 साल भी। मोदी जी ही सरकार बनाएंगे और आने वाले दिनों में भी भारत जनता पार्टी ही सरकार बनेगी। आपका सपना साकार नहीं हो सकता है। I'm so sorry।